नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। जी हाँ, स्पोर्ट्स की ट्रेंडिंग खबरें हम आप तक लेकर आते हैं और इस वक्त की ट्रेंडिंग खबर जो आ रही है वो ये है कि टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है एशिया कप का सुपर चार मुकाबला बेहद शानदार तरीके से चल रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कप्तान असगर स्टनिकज़ाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पर टीम इंडिया में आज पांच बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर आज टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि साल 2017 में ही महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी और विराट कोहली को कप्तान नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर नियति का शायद ये एक जिसे हम कहते हैं गिफ्ट है मान लीजिए, या फिर देशवासियों की प्रार्थना, आज एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ये 200वां मैच है। जी हाँ, 199 मैच की कप्तानी कर चुके महेंद्र सिंह धोनी भी शायद ये नहीं सोच पाए होंगे कि आज उन्हें एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी करने का मौका मिलेगा। बता दें आपको कि धोनी कप्तानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के मैच में टीम इंडिया के एशिया कप के कप्तान रोहित शर्मा रेस्ट पर हैं, साथ ही शिखर धवन को भी रेस्ट किया गया है, यानी कि कप्तान और उपकप्तान दोनों आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं। इसकी वजह से आज महेंद्र सिंह धोनी को टीम मैनेजमेंट ने कप्तान नियुक्त किया है और धोनी को भी अपना बतौर कप्तान 200 वनडे खेलने का एक रिकॉर्ड भी दे दिया। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जमकर जो है तहलका मचाया था, चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, उसके बाद विश्व कप नाम किया, 2007 का T20 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, वो भी धोनी की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने जीता। बात अगर पांच बदलाव की जाए तो वो पांच बदलाव ऐसे हैं जैसे कि जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर को बाहर किया गया, दीपक चाहर आज डेब्यू कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के चहेते हैं और क्यों उन्हें खिलाया गया ये भी हम अपने सेगमेंट में बताएंगे। साथ ही दीपक चहर के साथ साथ आज खलील अहमद को फिर से मौका मिला है, हांगकांग में के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए थे और एक बार फिर आज दीपक चहर को माफ कीजिएगा खलील अहमद को मौका मिला है। साथ ही युजवेंद्र चहल को भी बिठाया गया है और युजवेंद्र चहल को रेस्ट देने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया पूरी तरह से शबाब में है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टीम इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग फैक्टर था क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी थी, तो आज वो ऐसा लग रहा है कि हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि मनीष पांडे को लगातार हम बात करते हैं, मनीष पांडे को एक बार फिर आज मौका मिला है, आज अगर मनीष पांडे रन मारते हैं तो शायद उन्हें टीम में रखा जा सकता है। केएल राहुल खेल रहे हैं, अंबती रायडू खेल रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो है भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर आज टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और बेहतरीन कप्तानी के रिकॉर्ड के साथ हुआ जाना चाहेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं अपने आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर, आप खुद ही देख लीजिए क्या है आज की स्पोर्ट्स ट्रेंडिंग न्यूज। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने एंजेलो मैथ्यूज को श्रीलंका की वनडे टीम के कप्तान पद से हटा दिया है। मैथ्यूज के स्थान पर टेस्ट टीम के कप्तान दिनेश चंडीमल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। दुबई में जारी एशिया कप में श्रीलंका टीम के खराब प्रदर्शन के कारण चारों ओर से हो रही आलोचनाओं के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने मैथ्यूज को कप्तान पद से हटाने का फैसला किया। वो 10 माह तक ही टीम के कप्तान रह सके। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने चंडीमल को आगामी इंग्लैंड सीरीज के लिए वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। उन्होंने मैथ्यूज को तुरंत प्रभाव के साथ वनडे और टी20 टीम के कप्तान की जिम्मेदारियों को त्यागने के लिए कहा। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने उन्हें वनडे टीम के कप्तान पद से हटाए जाने पर निशाना जाहिर करते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखा है। मैथ्यूज ने कहा कि एशिया कप में टीम के खराब प्रदर्शन के मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस फैसले से नाराज मैथ्यूज ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा। मैथ्यूज ने पत्र में कहा कि शुक्रवार को हुई SLC और कोचों की बैठक के बाद मुझे वनडे और टी20 टीमों के कप्तान पद से हटने के लिए कहा गया। मैं पहले बेहद हैरान हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एशिया कप में टीम के खराब प्रदर्शन के मामले में उन्हें बरी का बकरा बना दिया गया। मैथ्यूज ने कहा कि मैं एशिया कप में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ और पूरा दोष मुझ पर ही डाला जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक शानदार मुकाबला आज खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं।
ऐसे में आपको बता दें कि अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने टीम इंडिया और उनके खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया। जी हाँ, खबरों की माने तो राशिद खान ने कहा कि विश्व क्रिकेट में वो कई टीमों के साथ खेले हैं लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनका याराना काफी ज्यादा है। राशिद खान ने कहा कि आईपीएल में उन्हें काफी हेल्प मिली क्रिकेट को समझने की और भारतीय खिलाड़ियों को करीबी से जानने की। राशिद खान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का नेचर उन्हें बेहद पसंद है और अफगानी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी काफी अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी उन्हें बताते भी हैं कि आपको मैदान पर क्या बड़ी चीज करनी है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कोई क्रिकेट की कला सिखाता है। कहीं ना कहीं राशिद खान ने ये कहकर सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप 2018 का सुपर चार मुकाबला आज खेला जा रहा है, जहां पर अफगानिस्तान के कप्तान असगर स्टैनिग्जाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आपको बता दें कि टॉस से ठीक पहले जब महेंद्र सिंह धोनी को असगर स्टैनिग्जाई के साथ आते देखा गया तो हर कोई हैरान था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ये 200वां मैच है और वो रोहित शर्मा की जगह आज कप्तानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी आज कप्तानी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें रेस्ट दिया गया है फाइनल के लिए। बड़ी बात यह है कि शिखर धवन टीम इंडिया के उपकप्तान हैं और रोहित शर्मा टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान। ऐसे में विराट कोहली भी यहां मौजूद नहीं है तो धोनी का कप्तान बनना तो बनता ही है। आपको बता दें कि आज के मैच में टीम इंडिया 5 खिलाड़ियों को बदलाव कर चुकी है, जहां पर आज दीपक चाहर को डेब्यू करने का मौका मिला है। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धोनी की कप्तानी में क्या टीम इंडिया 200वां मैच जीत पाती है। एशिया कप 2018 के मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। आपको बता दें कि आज भारतीय टीम की तरफ से कई शॉकिंग बदलाव देखने को मिले हैं। जहां एक तरफ अफगानिस्तान के कप्तान असगर स्टैनिग्जाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, वहीं टीम इंडिया के लिए आज कप्तानी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों को आज आराम दिया गया है। ऐसे में धोनी बतौर कप्तान आज अपना 200वां मैच खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज धोनी के सबसे चहेते खिलाड़ी दीपक चहर को भी टीम में शामिल किया गया है। दीपक चहर राइट आर्म तेज गेंदबाज हैं और दीपक चहर बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। आईपीएल में उनका प्रदर्शन तो हमने देखा ही है, ऐसे में वो आज टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दीपक चहर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप 2018 का सुपर चार मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर आज एक बड़ी खबर सबके सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी आज टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी आज कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन को रेस्ट दिया गया है। अब ये रेस्ट क्यों दिया गया है, ये बात भी साफ है कि भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है और फाइनल से पहले खिलाड़ियों को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है और बाकी खिलाड़ियों को भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो रोहित शर्मा और शिखर धवन की जगह आज मनीष पांडे और केएल राहुल को मौका दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वहीं बात की जाए धोनी की तो धोनी बतौर कप्तान आज 200वां मैच खेल रहे हैं और हो सकता है कि आज अपने करियर की आखिरी मैच में भी कप्तानी करें, क्योंकि धोनी कप्तानी पहले ही छोड़ चुके थे। आज विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है और शिखर धवन भी नहीं है, ऐसे में धोनी को कप्तानी सौंपी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्या टीम इंडिया फिर से वही इतिहास रचती है जो उन्होंने पहले किया है। एशिया कप 2018 के आज के मुकाबले में टीम इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अफगानिस्तान के कप्तान असगर स्टैनिग्जाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है कि टीम इंडिया की आज की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। जी हां, बता दें आपको कि रोहित शर्मा और शिखर धवन जो वाइस कैप्टन और कैप्टन हैं दोनों आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, उन्हें रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 200वां मैच बतौर कप्तान खेलने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है, ऐसे में धोनी को आज का कप्तान नियुक्त किया गया है। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आज टीम इंडिया 5 बदलाव कर खेल रही है, यानी कि टीम इंडिया पूरी तरह से अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच भारत या अफगानिस्तान में से कौन जीतता है।
तो देखा आपने कि आज हमने आपको उन खबरों से रूबरू कराया जो लेटेस्ट हैं, बिल्कुल ट्रेंड में आई हैं और तुरंत हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आप कुछ ऐसी खबर देखना चाहते हैं जो ट्रेंड में है तो हमें जरूर इनबॉक्स में मेंशन कीजिए, हम वादा है आप तक खबर पहुंचाते आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।